जो मंदिर है यहाँ का, ये द्वापर काल युग का मंदिर है भगवान भोलेनाथ का, जिसकी खोज एक दिल्ली से शिवभक्त बाबा जी के बिंदल जी ने किया था, जिनको सपने में इसका जो भी यहाँ का मैप था जिस प्रकार का, उस प्रकार का जो है उनके सपना आ रहा था, जिसकी खोज करने में इनको लग गए थे करीब 5 से 6 साल। फिर नवंबर 2003 में इस स्थान पर आए, आकर के उन्होंने यहाँ की जो शक्ति थी उसके बारे में बताया, और यहाँ का जो भी मूर्तियों के बारे में बताया, पिछला जन्म भी जो भी यहाँ पर जैसे उनका आभास हो रहा था वो सारा कुछ यहाँ पर बताया। उसके बाद जो यहाँ पर मूर्तियाँ जो निकली हैं उसको पुरातत्व विभाग से रजिस्ट्रेशन मिला हुआ है कि इससे ज़्यादा पुरानी मूर्तियाँ पूरे हिंदुस्तान में नहीं हैं, जो कि सिर्फ यहाँ सिर्फ चहला गांव में श्री मुक्तेश्वर महादेव शिव मंदिर में पाई जाती हैं। उसके बाद उनके आदेशानुसार, बाबा जी बिंदल के आदेशानुसार, गौ सेवा की प्रेरणा दी कि यहाँ पर गौ सेवा होनी चाहिए, तो उनकी प्रेरणा से एक गौशाला खोली गई जहाँ पर करीब 80 गायें हैं जिनकी निरंतर सेवा पानी हो रही है। इसके अलावा बाकी भक्तजन यहाँ पर महाशिवरात्रि के अवसर पर आपने देखा ही है, जो कि लाखों की भीड़ में यहाँ पर संगत इकट्ठा होकर के भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करती है, और यहाँ पर जो भी सच्चे मन से यहाँ पर प्रार्थना करता है उसकी भगवान भोलेनाथ मनोकामना पूर्ण करते हैं। और बाकी यहाँ पर जो भी प्रगतिशील कार्य चल रहा है तो इसका कोई हिसाब ही नहीं लग रहा है कि भगवान की यहाँ पर कितनी कृपा है, और दिन दुने रात चौगुने ऐसे बढ़ता जा रहा है जिसका कोई अनुमान ही नहीं लगा सकता। ये इतिहास इस मंदिर का। बाकी यहाँ पर जितने भी गौ सेवक हैं उनसे मैं अनुरोध करूँगा कि बढ़ चढ़ के यहाँ मंदिर में आकर के भाग लें और गौ सेवा करें, और अपने परिवार के सुख शांति के लिए यहाँ से जुड़ें। ज़्यादा से ज़्यादा गौ माता की जहाँ भी लोग जो भी हैं उनके लिए प्रेरणा है कि गौ सेवा ज़्यादा से ज़्यादा हो, ठीक है, गौ सेवा उत्तम सेवा। मेरा नाम अशोक गोयल है, मैं माँ मुक्तेश्वर मंदिर तो बोल रहे हैं, चैला विलेज समराला रोड समराला। ये मंदिर 2003 दे विच श्री के बिंदल जी दिल्ली वालों नूं सौंपन दे विच आया सी। उन्होंने दस्या सी भी इत्थे जमीन दे अंदर शिवलिंग निकलना है चाहिदा हैगा जो मैनू दिखाई दे रहा है, तो वो सानू कई जगह उन्होंने दसियां लुधियाने तो इस जगह पर किरा जाके तुसी ए लोकेशंस दे हिसाब नाल लभो तो सानू 4.5 महीने बाद ये जगह मिली जिहड़ी कि बिल्कुल बियावान और रेतीली जगह सीगी। उस तो बाद असी उत्थे उन्हां दे दसे मुताबिक खुदाई करके ये मंदिर 2003 दे विच लभिया, तो फिर इनू हौली हौली सारे बहुत असंख्य लोगों ने अपने सहयोग नाल इस मंदिर की उसारी की, जिदा अज 15-16 साल बाद ये स्वरूप जो अज है दिखाई दे रहा है, जिथे 2 तो 2.25 लाख बंदा एक दिन दे विच शिवलिंग दे दर्शन करता है, जो कि बहुत ही मान्यता और अच्छी गल है जिहड़ी कि लोगों नूं इत्थे उन्हां दे मनोकामना पूरी हुंदी होएगी ताही वो लोग अपने आप आंदे हैं। कोई इस मंदिर का बहुत ज़्यादा एडवरटाइजमेंट टाइप नहीं किया जाता, अपने आप ही लोग एक दूसरे तो सुन के इस जगह दे उत्ते दर्शन करन आंदे हैं, यही मेरा कहना है। और ये दर्शन करके ही इंसान नूं पता लगता है
ਕਿ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਕੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ 50,000 ਬੰਦੇ ਲਈ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਵਰਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਫੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਸਟੋਲ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 65 ਤੋਂ 70 ਲੋਕ ਸਟੋਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥ, ਸਵਾਦਿਸ਼ਟ ਪਦਾਰਥ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੋਕ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕੈਨੇਡਾ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ? ਅਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਮਿਲੋ ਪਿਰਾਮਿਡ ਈ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਮਾਹਰ ਵੀਜ਼ਾ ਕਾਊਂਸਲਰਾਂ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਓ ਔਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਔਰ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮਈ ਅਤੇ ਸਪਟੰਬਰ 2019 ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਦਾਖਲਾ ਕਰਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 92563 92563 'ਤੇ।